महिला सुरक्षा पर भाजपा नेत्री चित्रा वाघ का आरोप, ठाकरे सरकार असंवेदनशीलता का कलश। भाजपा नेत्री चित्रा वाघ ने ठाकरे सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार महिला सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से असंवेदनशील है। परोल में एक 20 वर्षीय लड़की का बलात्कार कर हत्या कर दी गई। महाराष्ट्र में लगातार महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन ठाकरे सरकार अपनी चुप्पी तोड़ने को तैयार नहीं है। पिछले 15 दिनों में महाराष्ट्र में कई जगहों पर लड़कियों के साथ अत्याचार हुआ है। उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार के कार्यकाल में राज्य में महिलाओं पर होने वाले अत्याचार में 26% की बढ़ोतरी हुई है। सरकार मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी बोलकर अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकती। महिला सक्षमीकरण, महिला सशक्तीकरण ही मोठमोठी आणि जड नावं वापरून कुठंतरी महिलांची दिशाभूल करायचं काम सरकार करतंय। आज तुमच्या समोर येण्याचं खास कारण आहे, कारण आज 11 तारीख आणि बरोबर 5 दिवसांनी भाऊबीज आहे। या महाराष्ट्रातल्या मुख्यमंत्र्यांना, आमच्या बंधूंना, या सरकारला आम्हाला मागणी करायची की राज्यातल्या सगळ्या महिलांना भयमुक्त महाराष्ट्र, भीतीमुक्त महाराष्ट्र हवाय। भाऊबीजेची ओवाळणी म्हणून ती ओवाळणी तुम्ही प्रत्येकीच्या झोळीमध्ये घालाल ही आमची अपेक्षा आहे। ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।